खरगोन में आयोजित दो दिवसीय कृषि मेले का तकनीकी सत्र के साथ समापन हुआ है। समापन सत्र में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पूर्व कृषि राज्य मंत्री सहित वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद किया। प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी हुआ। समापन पर किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करने और नई जानकारी देने के लिए आयोजित मेला समापन के दौरान उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब भोजन व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया। संघ के दुर्गेश पाटीदार, सुखदेव पाटीदार, कैलाश पाटीदार ने कहा कि किसानों के लिए उचित भोजन व्यवस्था नहीं की गई। किसानों को न तो भोजन पट्टी पर बिठाया गया, न ही साफ जगह पर भोजन व्यवस्था की गई। मजबूरी में किसानों ने जमीन पर बैठकर जमा पानी के बीच खाना खाया, जबकि कृषि अधिकारी सहित अन्य अतिथियों ने कृषक भवन के एयर कंडीशनर कक्ष में भोजन किया। यह किसानों का अपमान है, इसी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को शिकायत करने की बात भी कही। मामले में कृषि उप संचालक ML चौहान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भोजन के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन संख्या अधिक होने से किसान बिना बिछात वाली जगह पर बैठ गए थे। उन्हें रोका भी गया था, लेकिन उनके नहीं मानने पर भोजन कराया गया। मेले में आमंत्रित अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, इसलिए मैंने उनके साथ खाना खाया। हालांकि किसानों को जो खाना दिया था वह अतिथियों ने भी खाया। खाने की व्यवस्था में कोई अव्यवस्था नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, किसानों को भोजन कराया जा रहा है, यहाँ इसके ऊपर लाखों रुपए का बजट होगा। पेंटिंग में बैठ कर टेबल में खाना खा रहे हैं और किसानों को यहाँ पर देना है खाना खिला, जूतों में बैठ के खाना खा रहे हैं। लोगों को पशुपालन भी, साथ साथ किसान है तो पशुपालन करने पर जोर देने की आवश्यकता है। पशुपालन करेंगे तो जो उसकी हमारे पास में गोबर है, उसकी गोबर की खाद हमारे खेत में काम आएगी। उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी को अपने आप मिलेंगे। बहुत अच्छी खेती करने के लिए जो नई नई तकनीकी के हैं, इनका हम लोग विशेष करके गाँव के किसानों को इसी तरह से कार्यक्रम करा करके हम लोग समय समय पर भी जानकारी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो दिन का हमारा कार्यक्रम है, ये किसानों के लिए नई तकनीकी के आधार से अच्छी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और जिले में एक अच्छा वातावरण बनाएगा। और हम लोग पहले से ही कई खेती में हमारी उत्पादकता बहुत अधिक है, हम इसको और बढ़ा करके, जैसे कि एक वैज्ञानिक हमारे बता रहे थे कि जो महाराष्ट्र में कपास का जो उत्पादन होता है वो हमसे लगभग 1.5-2 गुना ज्यादा होता है, और उसका कारण उन्होंने बताया कि वो 1 एकड़ में ज्यादा पौधे लगाते हैं। तो हम लोग भी नई नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती अच्छी करेंगे। और इसी मतलब मेरी इनके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को धन्यवाद, जय हिंद। कृषि विभाग ने कृषि मेले का आयोजन किया है, उसमें किसानों को भोजन की व्यवस्था नहीं व्यवस्थित करवा पाए। अधिकारी सब व्यवस्थित कुर्सियों पर भोजन कर रहे हैं और किसानों को बगैर तरह से भोजन करवा रहे हैं और वहाँ पे पानी गंदे नाले में बैठे, पत्तलों में गंदा पानी जा रहा है, ऐसी व्यवस्था करके रखी है। एक किसानों के भाग्य और किसानों के लिए एक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, भोजन तो करवाना था, लाखों रुपए का बजट खर्च किया जाता है और किसानों को बुला के उसका अपमान करना, ये व्यवस्था है सरकार की और ये गलत व्यवस्था है। ऐसे मेलों में किसानों को बुला के उनका अपमान करना ये शर्मनाक चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उनको पानी और भोजन की व्यवस्था अगर तुमने की है तो व्यवस्थित करना था। गंदा पानी उनकी पत्तलों में जा रहा है, इसी जगह उनको भोजन करवा रहे हो। अधिकारी लोग कुर्सियों पे बैठ के भोजन कर रहे हो, आप उनके साइड में बैठ सकते हो आप, अगर वो बैठने की टाटपट्टी की व्यवस्था नहीं की, नीचे उनके गंदा पानी उनके नीचे पत्तलों में जा रहा है। आप देख के आए हो, फोटो भी उसकी हो चुकी है। आज कृषि मेले में कृषि जो उपज मंडी खरगोन में मेला रखा था, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर महोदय ने की थी, कलेक्टर महोदय अध्यक्षता की थी। इस मेले में किसानों को भोजन ऐसी जगह बिठाया है जहां गंदा पानी उनकी पत्तलों में जा रहा है। भाई तुमने किसानों को बुलाया, कम से कम उसका सम्मान तो करना था, उनका अपमान हो रहा है, ऐसे भोजन करवाओगे, नीचे चटाई बिछाई नहीं। और तुम किसान जैसे अधिकारी कुछ बड़े इनके नेता लोग व्यवस्थित भोजन कर रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ के कार्यालय में भोजन कर रहे हैं और किसानों को उधर बगैर दरी से भोजन कर रहा है, ये हम
राष्ट्रीय किसान मजदूर का पदाधिकारी हम नहीं देख सकते ऐसा चीज, इसलिए हमने बोला है कि ये सरासर गलत हो रहा है, किसान का अपमान हो रहा है। ये ऐसा अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम भोजन के संबंध में किसानों को व्यवस्थित भोजन करवाना चाहिए। आपने बुलाया है उनको, किसान नहीं आए, इन्होंने बुलाया है, सम्मानित होके उनको व्यवस्थित भोजन करवा के इधर लगाना था। इसको लेकर शिकायत भी करने जाओ? हम इसको लेके कलेक्टर को भी देंगे कि भाई आपकी अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है, ऊपर भी लिखित में देंगे कि भाई इस तरह अपमान किसानों को होना क्या जायज है, इसका हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं ऐसे मेलों का जिसमें किसानों को अपमान होता है। ये मेला बिल्कुल किसानों के हित में एक भी नहीं है, इन किसानों को सिर्फ बहलाया जा रहा है और इनका अपमान किया जा रहा है, मेलों में बुला के अपमान किया जा रहा है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये जो भी आयोजक है, चाहे कृषि विभाग हो, अधिकारी हो, और हम तो कहते हैं भाई अगर बीजेपी सरकार अगर किसानों के हित में मेला लगा रही है तो कम से कम उनका अपमान तो नहीं होना चाहिए, ये देखना चाहिए, बड़े नेताओं ने देखना चाहिए। भाई तुम अपमान करके किसानों का भाई उद्धार करोगे, किसानों का अपमान करके उद्धार करोगे, ये अवस्था से कई किसानों को उद्धार होने वाला है? कम से कम उनका सम्मान तो इस तरह मत, अपमान तो मत करो भाई। तुम दो मत, कुछ मत दो उनको, लेकिन कम से कम अपमान तो मत करो। कुछ लोग वहां, हम तो देख के ना ऐसा लगा, हमको हम तो मंच पे जाके बोल के आए तो भी उन्होंने आज तक नहीं व्यवस्था की, दो घंटे हो गए। क्या नाम लिख दिया? कैलाश पाटीदार। शिकायत जा रहा है और अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहाँ का व्यापारी से कक्ष में खाना खा रहे हैं और उनका अपमान हो रहा है। देखिए, दो गलियारे किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी, दोनों गलियारों में कालीन बिछी हुई थी। अब कुछ किसान जल्दी कर रहे थे, हमें जल्दी जाना है, तो वो जबरन बैठ गए, जबकि हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हमारे ADA उनको मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी जाके बैठ गए। अब बैठ गए तो उनका हाथ पकड़ के उठाना उचित नहीं है। हालांकि मेरा यहाँ तक सवाल है कि मैं यहाँ व्यापारिक भवन में आया था, चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट के साथ मुझे उनके साथ आना पड़ा, और कुछ नहीं है। क्या व्यवस्था की गई थी मेले में किसानों के लिए? कृषि पूरा जो है वो तकनीकी सत्र चला है और उनको सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं और सभी किसानों को सम्मानित किया गया है, उनके उद्बोधन भी हुए हैं, साथ में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भोजन में जैसा भी चीफ गेस्ट ने भोजन किया वही भोजन उनके लिए भी बना था, सभी लोगों ने समान रूप से भोजन किया है। साथ में आपके किसानों को लाना ले जाने की व्यवस्था विभाग ने की है और तमाम जितनी भी स्टॉल लगी थी, लगभग 42 स्टॉल लगी थी, उसमें जितने भी कृषि से संबंधित कंपनियां थी और जो मैन बीज की, खाद की, दवाई की कंपनी थी, उन सबके स्टॉल लग के उनको सभी किसान भाइयों को जानकारी दी गई। समापन किया गया, मेले का समापन हुआ है? हाँ, मेले का समापन हुआ ना, आज दूसरा दिन था, दूसरा दिन जो है विधिवत मेले का समापन हुआ है। मंत्री जी क्यों नहीं आए कार्यक्रम में? नहीं, मंत्री जी और कहीं कार्यक्रम में व्यस्त थे, उस वजह से नहीं पा पाए। खरगोन जिले में थे, लेकिन हो सकता है कि उनका अपना व्यस्तम कार्यक्रम है, मैं उसमें संबंध में नहीं बोल सकता, नहीं बता चाहता। मैं ML चौहान, उप संचालक कृषि खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।